दो भट्टे, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अंदर से देखो यानी कि सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योतिका नोटियाल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योतिका नोटियाल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की 4 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का हरियाणा के पानीपत शहर से। मौसम की बात करें तो चारों तरफ ना धुंध ही धुंध लग रखी है। अभी ना शाम के टाइम पर हल्की हल्की धूप आ रखी है। मार्केटिंग की बात करें तो अभी ना धीरे धीरे लोग सभी लोग दुकान खोलने लग गए हैं और सड़क में ना शाम के टाइम पर चहल पहल देखने को मिलने लग गई है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत ना इसी कारण से 4 बजे से हो रही है क्योंकि सुबह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है। तो मैं सीधा ना यानी कि खाना बनाया और खाना खा के ना हम दोनों सो गए थे, यानी कि मैं पति तो 12-1 बजे सोए थे, लेकिन वो ना अभी मंदिर में चले गए आगे टाइम। तो अभी ना हमने शाम की चाय नहीं पी है, तो चाय पी के ना मंदिर में जाएंगे क्योंकि दो आंटी लोगों ने कह रखा है कि शाम को ना कीर्तन करेंगे। तो देखते हो कि हरियाणा की कीर्तन मेरे को समझ में भी आते हैं कि नहीं भी आते हैं। वैसे तो मुश्किल आएंगे क्योंकि उनकी भाषा ही नहीं आ रही मेरे को समझ में, तो भजन पता नहीं कैसे करते हैं। तो जल्दी से ना पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ कीर्तन में। तो चलिए दोस्तों, पतिदेव को ना मैंने नीचे चाय भी दे दी है और मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। वैसे भी मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, घर पे भी नहीं पीती थी और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इतनी गर्मी में चाय पीने का मन। मेरे सिर्फ ना ठंडी चीज़ खाने का मन कर रहा है। तो अब ना मैं सीधा मंदिर में जाती हूँ, थोड़ी देर में ना अंडे लोग आने वाले, तो देख रहे कि आते भी है कोई कि नहीं भी आते हैं। वैसे तो मुश्किल आएंगी क्योंकि पहले से क्योंकि दो ने कह रखा था कि हम दो भजन करेंगे शाम को, दो अंडे में तो आ जाएंगे, तो देखते हैं। और यहाँ पर ना ये भट्टी टाइप की बना रखी है मिट्टी की, शायद ना यहाँ पर जब कुछ प्रोग्राम होता है तो इन भट्टी पे ना खाना बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर ना मेरे को राख दिखाई दे रही है और पूरा ना ही मिट्टी का बना हुआ है ऊपर से। दो भट्टे, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अंदर से देखो यानी कि इतनी ज़्यादा गहरा है, वो पूरी राख ही राख है इसमें भी और इसमें भी। सहस्र रख कर रे रे ई आई ना।
दोस्तों, अभी शाम की 6 बज गई है और मैं ना भजन करके ऊपर भी आ गई हूँ। मैंने तो उतने भजन नहीं किए हैं क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है कोई भजन, क्योंकि कभी भजन गाए नहीं है, तो मेरे को ना याद करना पड़ेगा, तो आगे टाइम गाऊंगी। और दो आंटी आई थी सिर्फ भजन गा, दोनों आंटी ने बहुत प्यारा भजन गाया था। एक आंटी का भजन तो मेरे को समझ में आ गया था, सरस्वती वाला भजन, लेकिन जो विली सूट वाली आंटी जी थी तो उसने ना अपनी भाषा में कहा है, हरियाणी भाषा में, वो ना मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आंटी जी। और अब ना मैं फिर से जाती हूँ नीचे, क्योंकि अब ना आरती का टाइम भी होने वाला है, यानी कि हो ही गया है, तो जल्दी से जाती हूँ। आप सभी लोगों को आज ना आरती भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ना अभी आरती की तैयारी भी होने लग गई है। अच्छा। और इसको देखो, ये पीछे से बोल रहा है। अच्छा, पतिदेव तो अभी नहीं आए, थोड़ी देर में आएंगे जब मंदिर बंद हो जाएगा, तब तक ना मैं डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज की वीडियो को मैं भी क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार से व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।